तो दोस्तों, विधु जम्वाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म आई बी केतर का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है, जिसके लीड एक्टर हैं विधु जम्वाल और अनुपम खेर। और ट्रेलर में बताया गया है कि मूवी ट्रू इवेंट पर बेस्ड है और ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी विधु जम्वाल को बेस्ट एक्टर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब अगर मूवी की कहानी की बात करें तो ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि ट्रेलर में 1971 का भारत दिखाया गया है, जब पाकिस्तान और चीन साथ मिलकर भारत पर हमला करने की नीति बना रहे हैं। और ट्रेलर में विधु जम्वाल एक स्पाई एजेंट का रोल निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इस हमले को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ट्रेलर में आगे दिखाया गया है पाकिस्तान में भारत के 30 सोल्जर मिशन पर निकले हैं। इसी बीच मुसीबत में गिरते हुए जवानों को देखकर भारत की खुफिया एजेंसी सपोर्ट करने से पीछे हट रही है। अब मिशन पर निकले सैनिक कैसे खुद की और देश की रक्षा करते हैं, उनके संघर्ष को दिखाया गया है। अब बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो पॉजिटिव में मुझे लगा मूवी की स्टोरी काफ़ी थ्रिलर और इंटरेस्टिंग लग रही है, और मूवी की सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा लग रहा है। सभी करेक्टर अपने अपने रोल में एकदम जच रहे हैं। अब बात करते हैं मूवी के नेगेटिव में। तो इसमें नेगेटिव में मुझे लगा एक्शन। विधु जम्वाल जाने ही जाते हैं उनके एक्शन के लिए, और ट्रेलर में कुछ खास एक्शन नहीं दिखाया गया है, जो मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी देखते हैं मूवी में कितना एक्शन होगा। बाकी ट्रेलर को एक लाइन में रिव्यू करूँ तो ट्रेलर अच्छा यानी कि गुड है। तो दोस्तों, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।